हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 19, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने ये तो देखा है कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो इस लेसन में और टाइप्स ऑफ मैग्नेट भी देखे हैं। इस लेसन में हमें देखना है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पर आपको 7th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एंड हाउ आर मैग्नेट्स यूज इन आवर हाउसेस एंड आवर सराउंडिंग्स। तो जैसे देखिए, हमें पता है कि घर में कई सारी हमारी चीज़ें होती है जहाँ पे हम लोग मैग्नेट को यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कबर्ड है, फ्रिज है, उनके जो डोर लॉक हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि मैग्नेट को यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद जो स्पीकर्स होते हैं उसमें भी मैग्नेट को यूज़ किया जाता है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, चीज़ें होंगे ऐसी, या फिर हमारे सराउंडिंग में कई सारी चीज़ें होती है। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है, इन विच डायरेक्शन डज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट सेटल। तो जैसे देखिए 6th स्टैंडर्ड में आपने जो लेसन देखा था उसमें ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी देखी हुई है कि जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है वो किस तरीके से, कौन से डायरेक्शन में सेटल होता है। जैसे कि सपोज़ यहाँ पे एक मैग्नेट है, उसको हमने इस तरीके से हैंग किया है कई जगह पे, एक जगह पे, तो ये सस्पेंड क्या होगा, सेटल होता है। तो कौन से डायरेक्शन में वो सेटल होगा ये आपको देखना होगा। तो कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ। कोई भी अगर आप मैग्नेट लेते हो इस तरीके से, उसे फ्रीली हैंग करके रखते हो कहीं पे, तो हमेशा कौन सी डायरेक्शन दिखेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है। नेक्स्ट थर्ड वन क्वेश्चन दिया आपको, व्हाट आर द नेम्स गिवन टू द टू एंड्स ऑफ ए मैग्नेट एंड व्हाई आर दे नेम दस। तो देखिए जो मैग्नेट होता है इस तरीके से, उसके जो दो एंड होते हैं तो उसे नाम दिए जाते हैं। कौन से नाम दिया जाता है, नॉर्थ एंड साउथ। इस तरीके से जो दो एंड होते हैं उसे नॉर्थ एंड साउथ नाम दिया जाता है। एंड व्हाई आर दे नेम दस, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर मैग्नेट को हम लोग हैंग करके रखेंगे तो वो सेटल होता है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। तो इसीलिए ये जो दो एंड होते हैं उन्हें क्या नाम दिया है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एन एंड एस से क्या किया जाता है, शो किया जाता है। फोर्थ वन है, विच मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग मैग्नेट्स, कि मैग्नेट को यूज़ करने के लिए कौन से मेटल को यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर भी आपको दिया है, मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम अलॉयज फ्रॉम आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल, और उसके बाद दिया है निपर मैग एंड अलॉय ऑफ आयरन, निकेल, एल्यूमिनियम एंड टिटेनियम इज यूज टू मेक मैग्नेट्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मिक्सचर जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है मैग्नेट्स को यूज़ करने के लिए। उसके बाद दिया है अल्निको इज़ अ मैग्नेटिक अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट। तो इस तरीके से चीज़ें जो हमने ऑलरेडी देखी हुई है वही आपको इसे यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में पूछा गया है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेट्स, उसके बाद देखिए क्या आया है क्वेश्चन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है मैग्नेट की। तो देखिए मैग्नेट जो होता है वो अट्रैक्ट होता है जो आयन, जैसे कई सारे मेटल होते हैं तो उसमें आयन जो मेटल होता है उसे क्या करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। और दूसरी बात है, यहाँ पे फिर से हम ड्रॉ करेंगे मैग्नेट को, तो जो दो पोल होते हैं यहाँ पे एन एंड दूसरा होता है एस। तो कैरेक्टरिस्टिक हमें देखनी है यहाँ पे, अगर इस तरीके से दो मैग्नेट हम लेते हैं तो इसके भी दो एंड लेंगे हम नॉर्थ एंड साउथ। तो देखिए यहाँ पे अगर साउथ एंड नॉर्थ इस तरीके से डिफरेंट पोल्स अगर साथ में आते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। लेकिन सेम पोल्स अगर साथ में आते हैं, जैसे कि एन एन है या फिर एस एस है, ये पोल अगर साथ में आते हैं तो उनके बीच में होता है रिपल्शन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमने पहले भी देखी है। उसके बाद और एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इस तरीके से कोई भी मैग्नेट है अगर उसके क्या है, दो पोल है एन एंड एस, अगर हम इसे कट करते हैं दो पार्ट में, इस तरीके से हमने इसे ब्रेक कर दिया, कट कर दिया, तो हमें दो मैग्नेट्स मिलेंगे इस तरीके से, वन एंड टू, और दोनों भी मैग्नेट के हमें दो पोल यहाँ पे मिलने वाले हैं। एक यहाँ पे पोल होगा N और दूसरा पोल होगा S। यहाँ पर भी जो सेकेंड वाला हमें मिलने वाला है पार्ट, उसके भी यहाँ पे होंगे N एंड यहाँ पे होगा S पोल। कि कितने भी हम यहाँ पे टुकड़े करेंगे मैग्नेट के तो उसके दो एंड होते ही है, जो कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो ऑलरेडी हमें पता है वही हमने अभी डिस्कस की। नेक्स्ट दिया है मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे दो एक्टिविटी दी हुई है, तो इसके लिए आपको एपरेटस लगने वाले हैं, स्टील बार, बार मैग्नेट, आयरन फिलिंग, थ्रेड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको लगने वाली है। अभी हम देखेंगे प्रोसीजर की, एक्टिविटी आपको क्या करनी होगी।
तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्टली देखते हैं एक्टिविटी, आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। देखिए इस तरीके से आपको स्टील बार लेना है जिसको हम नाम देंगे ए एंड बी। देखिए यहाँ पे नाम भी दिया है ए एंड बी। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से मैग्नेट आपको दिख रहा है, मैग्नेट को आपको लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पॉइंट ए टू बी इसको आपको क्या करना है, रब करना है इस तरीके से। इस तरीके से आप लेके जाओगे एन टू एस, और उसके बाद फिर से एस टू एन, एन टू एस। इस तरीके से कई बार आपको क्या करना होगा, इस मैग्नेट बार जो है इसे स्टील बार के ऊपर आपको रब करना है। तो इससे क्या होगा, देखिए हम फिर से देखिए, रिपीट दिस 15 to 20 टाइम्स यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ टेक द स्टील बार नियर सम आयरन फिलिंग एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि मैग्नेट से हमने इसके ऊपर रब किया है कई बार, तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये स्टील बार है उसके पास में हमें क्या करनी है, आयरन फिलिंग्स को रखना है। तो क्या होगा, तो हमें ये दिखाई देगा कि अगर हम आयरन फिलिंग्स यहाँ पे डालेंगे तो वो स्टिक हो जाती है। जैसे कि मैग्नेट बार को आयरन फिलिंग क्या होती है, स्टिक हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है उसकी तरफ, उसी तरीके से स्टील बार को भी आयरन फिलिंग स्टिक हो जाएगी। हैंग द बार फ्रीली बाय अ थ्रेड एंड ऑब्जर्व। उसके बाद जैसे कि हमने मैग्नेट को देखा था, उसी तरीके से स्टील बार को अगर हम हैंग करेंगे तो हमें उसके भी दो पोल्स दिखाएंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल। द स्टील बार विल बी सीन टू हैव डेवलप मैग्नेटिज्म, कि हमें यहाँ पे क्या नज़र आएगा कि जो स्टील बार था उसके ऊपर हमने बार बार जो मैग्नेट बार को यहाँ पे रब किया था, उसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नेट की तरह उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें दिखाई दे रही है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, मैग्नेटिज्म। दिस मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड द सिंगल टच मेथड। तो इसे क्या कहा जाएगा, सिंगल टच, कि एक ही हमने क्या किया है यहाँ पे, एक ही मैग्नेट बार को बार बार उसके ऊपर रब करके उस मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वो इस स्टील बार में आ जाती है। जैसे कि वहाँ पे आयरन फिलिंग स्टिक हो सकती है, उसके बाद अगर हम फ्रीली हैंग कर देंगे तो वो नॉर्थ साउथ पोल भी दिखाई देगा। तो कुछ समय के लिए क्या होगा कि जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती है वो हमें इस ए बी जो स्टील बार है उसमें दिखाई देगी। द मैग्नेटिज्म क्रिएटेड बाय दिस मेथड इज ऑफ लो स्ट्रेंथ एंड लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो ये मैग्नेटिज्म परमानेंटली तो नहीं होगा, वो टेम्पररी होता है, कुछ समय के लिए होगा और ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी। जितना मैग्नेट जितनी प्रॉपर्टीज हमें दिखाई देता है या फिर स्ट्रेंथ उसकी दिखाई देती है उतनी नहीं दिखाई देगी, लेकिन कुछ समय के लिए हमें इस स्टील बार में मैग्नेटिज्म दिखाई देगा, मैग्नेट जैसे प्रॉपर्टीज दिखाई देगी। उसके बाद आपको सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे दी है, इसमें भी आपको क्या करना है, इस तरीके से स्टील बार को लेना है। अगेन यहाँ पे ए एंड बी पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम टू मैग्नेट बार्स को यूज़ करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वन है एंड ये सेकेंड वाला है। तो इससे क्या करना है, हमें फिर से सेंटर से लेकर आपको क्या करना होगा, इसे रब करके लेके जाना है इस तरीके से, सेंटर से पॉइंट बी तक, सेंटर से पॉइंट ए तक, दोनों को आपको रब करना है और 15-20 टाइम इसी तरीके से आपको रिपीट करते रहना है। और उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे दिया है रिपीट दिस 15-20 टाइम्स। नाउ टेक द स्टील बार नियर आयरन फिलिंग, जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी में किया था उसी तरीके से हमें करना है कि स्टील बार को भी हमें क्या करना है, आयरन फिलिंग्स के पास लेके जाना है, और हैंग द स्टील बार फ्रीली एंड ऑब्जर्व। तो इसमें भी हमें कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नेट की दिखाई देती है। दिस मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड द डबल टच मेथड। तो डबल टच मेथड इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने टू मैग्नेट्स को यूज़ किया है, डबल मैग्नेट्स को यूज़ किया गया है इसके लिए। द मैग्नेटिज्म जनरेटेड बाय दिस मेथड लास्ट लॉन्गर कम्पेयर टू दैट जनरेट बाय द सिंगल टच मेथड। जैसे कि सिंगल टच मेथड में हमने देखा था, यहाँ पर जितने यहाँ पे जो स्टील बार है उसमें जो मैग्नेटिज्म दिखाई देगा उससे ज़्यादा जो मैग्नेटिज्म है हमें इस जो डबल टच मेथड वाला जो बार रहेगा स्टील बार, उसमें जो मैग्नेटिज्म है ये थोड़ी ज़्यादा देर के लिए दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे दो मैग्नेट्स को यूज़ किया है तो इसका जो इफेक्ट होता है, जो मैग्नेटिज्म है, ये भी हमें डबल दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको दिया है कि मैग्नेट से अगर हम यहाँ पे स्टील बार के ऊपर रब कर रहे बार बार, तो उस मैग्नेट का जो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज़ है, मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ है, वो हमें ए वी बार में दिखाई देती है। सिंगल बार को यहाँ पे यूज़ करते हैं, सिंगल मैग्नेट को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म दिखाई देगा वो थोड़ा सा लेस होता है, एंड अगर यहाँ पे हम दो बार को यूज़ करेंगे, दो मैग्नेट्स को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे जो स्टील बार है उसमें जो मैग्नेटिज्म हमें दिखाई देगा वो थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए दिखाई देगा। नेक्स्ट पेज में देखेंगे।
Why does a freely suspended magnet always settle in the north-south direction? तो ये आपको क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि हम जब फ्रीली किसी मैग्नेट को हैंग करके रखते हैं तो उसकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही क्यों दिखती है. तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे अर्थ अ जाइगेंटिक मैग्नेट. द साइंटिफिक विलियम गिलबर्ट गेव अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज सेटल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ओनली. तो क्यों मैग्नेट को अगर हम फ्रीली हैंग करके रखेंगे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही क्यों दिखाता है. तो उसके ऊपर साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट ने एक एक्सप्लेनेशन दिया था एक एक्सपेरिमेंट के साथ. तो एक्सपेरिमेंट क्या था, ही गेव अ राउंड शेप टू अ नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेटिक रॉक. तो उन्होंने क्या किया था कि एक मैग्नेटिक रॉक जो था उसे राउंड शेप में बनाया. ही सस्पेंडेड दिस स्फेरिकल मैग्नेट सो दैट इट कुड टर्न फ्रीली एंड ब्रॉट द नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट नियर इट. The south pole of the magnetic sphere was attracted towards it. तो उन्होंने क्या किया था, देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिया है कि इस तरीके से उन्होंने कुछ रॉक जो था उसे राउंड शेप दिया था और एक मैग्नेट इस तरीके से रखा हुआ था और वो जो रॉक था वो फ्रीली क्या करेगा यहाँ पे टर्न हो सकता है. तो इस तरीके से उन्होंने रखा हुआ था. तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए विच मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, कि कौन से दो पोल जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए मैग्नेट के एंड रॉक के. सेकेंड है विच पोल ऑफ ए स्पेरिकल मैग्नेट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, कि साउथ पोल जो बार मैग्नेट है उसके साउथ पोल की तरफ स्पेरिकल मैग्नेट का कौन सा जो पोल है वो अट्रैक्ट हुआ. द नॉर्थ पोल ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट सेटल इन द डायरेक्शन ऑफ द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ. तो जैसे देखिए यहाँ पे हमें मैग्नेट भी दिख रहा है एंड पोल भी दिख रहा है. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो अर्थ है उसके ऊपर का जो पार्ट रहेगा उसे नॉर्थ दिखाते हैं एंड जो डाउन पार्ट होता है उसे साउथ दिखाते हैं, साउथ पोल दिखाते हैं. तो यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने जो मैग्नेट रखा था तो इसका जो साउथ पोल जो है वो अट्रैक्ट हुआ नॉर्थ पोल की तरफ एंड जो नॉर्थ पोल है वो अट्रैक्ट हुआ साउथ पोल की तरफ. तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक अर्थ जो है या फिर अर्थ के जैसे उन्होंने एक रॉक जो लिया था उसमें भी नॉर्थ एंड साउथ पोल दिखाई दे रहे थे. तो अपोजिट डायरेक्शन वाले अपोजिट जो पोल होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं ये भी हमें पता है. तो वही उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था. इट मीन्स दैट द साउथ पोल ऑफ सम जाइगेंटिक मैग्नेट मस्ट बी नियर द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ एंड द नॉर्थ पोल ऑफ दैट मैग्नेट नियर द ज्योग्राफिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ, कि जो डिफरेंट पोल्स थे यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे थे एक दूसरे के तरफ. तो गिलबर्ट इन्फर फ्रॉम हिज दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए जाइगेंटिक मैग्नेट, कि जो हमारी अर्थ है वो भी एक क्या है जाइगेंटिक मैग्नेट, एक ह्यूज एक बड़ा मैग्नेट है. क्योंकि यहाँ पे हम नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन दिखाते हैं और यहाँ पे अर्थ में भी अर्थ के ऊपर भी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिज्म जिस तरह से एक मैग्नेट में होता है उसी तरीके से दिखाई देता है. तो उन्होंने यही कहा था कि हमारी जो अर्थ है एक तरीके का जाइगेंटिक मैग्नेट है, एक बड़ा सा मैग्नेट है. नेक्स्ट उसके बाद फिर से हमें एक एक्टिविटी दी है यहाँ पे, विच डायरेक्शन विल अ मैग्नेटिक नीडल शो ऑन दी ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल. तो यहाँ पे फिर से एक्टिविटी आपको करनी है. तो क्या करेंगे, टेक अ स्क्वेयर कार्डबोर्ड एंड मार्क द डायरेक्शन ऑन इट. तो जैसे कि यहाँ पे दिए है नीचे कार्डबोर्ड रखा है ऐसे समझिए और उसके ऊपर इस तरीके से डायरेक्शन दिए है. तो हमेशा जो मैप में ऊपर वाली साइड होती है वो होती है नॉर्थ, नीचे वाली साइड आएगी साउथ, राइट साइड में होता है ईस्ट और यहाँ पे आएगा वेस्ट. तो उसके बाद क्या करना है, प्लेस अ पॉट फिल विथ वाटर एट द सेंटर ऑफ द कार्डबोर्ड. तो इस तरीके से सेंटर में हमें क्या रखना है, एक बाउल रखना है और वो पानी से भर के रखना है. और उसके बाद क्या करेंगे, टेक अ मैग्नेटाइज नीडल, मैग्नेटाइज नीडल लेनी है, स्टिक इट टू अ स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड बाय मीन्स स्टिकिंग टेप. एक कार्डबोर्ड लेना है उसकी तरफ उसके ऊपर हमें क्या करना है, एक मैग्नेटिक जो नीडल रहेगी उसे इस तरीके से फिक्स करना है स्टेप की हेल्प से. यहाँ पे आप पिक्चर में देखोगे तो जो नीडल है उसे कार्डबोर्ड से क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है. उसके बाद इस नीडल को हम पानी के ऊपर रखेंगे. इन विच डायरेक्शन डज द मैग्नेटाइज नीडल पॉइंट, तो जो नीडल यहाँ पे है उसके पॉइंट हमें क्या दिखा रहे हैं, कौन से डायरेक्शन दिखा रहे हैं. तो यहाँ पे है नॉर्थ एंड यहाँ पे है साउथ. तो देखिए इस तरीके से ही आपको दिख रहा है नॉर्थ एंड साउथ पोल. इन एनी प्लेस वाई डज अ मैग्नेटिक नीडल ऑफ ए कंपास नॉट सेटल पैरेलल टू द ग्राउंड बट एट अ एंगल टू इट, कि यहाँ पे ये जो नीडल थी ये इस तरीके से ग्राउंड को पैरेलल क्यों नहीं हो गई, वेस्ट एंड ईस्ट साइड क्यों नहीं दिखा रही है, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल में भी क्या है मैग्नेट के प्रॉपर्टीज है. और जैसे हमने पहले देखा कि जो मैग्नेट होते हैं वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ ही डायरेक्शन दिखाते हैं और पहले जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा उसमें भी वही हमें यहाँ पे बताया गया था. तो वही सेम चीज़ यहाँ पे
हमने देखी है कि नीडल जो है उसके दोनों पॉइंट्स हमें नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही दिखते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको जितना हमने अभी तक डिस्कस किया वो अच्छे से समझ में आया होगा। लेसन का कुछ पार्ट रिमेनिंग है जिसे हम देखेंगे हमारे सेकेंड पार्ट में, तो सेकेंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।